गाइस फ्री फायर धीरे धीरे लोग खेलने छोड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ही पहले फ्री फायर को खेलना छोड़ दिया क्योंकि धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट कम आने लगी। उनके कई सारे वजह हैं जिनके वजह से आज फ्री फायर बैन की नौबत आ गई। मतलब फ्री फायर में अब वो बात नहीं रही जो बहुत समय पहले हुआ करती थी, यानी कि 2017-18-19 में जिस तरह से हम लोग गेम खेल के एंजॉय लेते थे, अब वो फ्री फायर में वो बात नहीं रही। लेकिन आज हम लोग उस पुराने दिनों को याद करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और दोस्तों से खुशियां बांटते थे, फ्री फायर को खेल के बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करते थे। तो आज के वीडियो पे जरूर रुकना क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन पुराने खुशियों को आपके साथ बांटने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और उन पुराने दिनों को याद करके हम लोग उस पल को फिर से जिएंगे जो हम लोग 2017-18-19 में जिया करते थे। तो आज मैं आपको उन पुराने यादों में से 17 आपको ऐसी यादें बताऊंगा जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक थीम सॉन्ग सुनाता हूँ जब फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग कदम रखे थे यानी कि लॉकडाउन से गेम खेलना शुरू किए थे, उस वक्त जो थीम सॉन्ग आप सुनोगे वो थीम सॉन्ग आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा। तो सबसे पहले आप थीम सॉन्ग सुनो। गाइस ये वही थीम सॉन्ग है जब फ्री फायर में सबसे ज्यादा लोग जुड़े थे यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा लोग फ्री फायर खेलना शुरू किए थे। ये लॉकडाउन का थीम सॉन्ग है जो मेरे और आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होगा और सुन के शायद आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो गए। नंबर 16 गाइस, जब भी हम लोग फ्री फायर में लॉबी में जाते थे तो वहां पे सबका एक ही ड्रेस देखने को मिलता था, वहां पर कोई भी प्रो नजर नहीं आता था, किसी के पास भी गन स्किन नहीं हुआ करता था और लॉबी पूरा एक समान लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे गेम में कोई भी भेदभाव है। लेकिन अभी का लॉबी आप देखोगे तो वहां पे आपको अलग अलग ड्रेसेस नजर आएंगे जिसमें ये दिखाना चाहते हैं लोग कि मैं ज्यादा प्रो हूँ, सबके पास इवो गन है, इमोट दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था जिससे कि गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था, लेकिन समय के दौरान ये भी खत्म हो गया। गाइस याद करो वो दिन जब हमें फ्री फायर में सिर्फ एक ही दो जगह के बारे में पता होता था, सबसे ज्यादा क्लॉक टावर के बारे में पता होता था और फिर फैक्ट्री के बारे में पता होता था और ये बिल्कुल नहीं पता होता था कि किस साइड से हमें मैप में रोटेशन लेना है, कहाँ पे जाके रैंक पुश करनी है, ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ना ही हम लोग कवर लेते थे, बस सीधा मैप में चलते रहते थे, जहाँ जाते थे वहीं रुक जाते थे, लूट करते थे। लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे गाइस क्योंकि हम लोग के पास उतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से रैंक पुश करते थे, लेकिन वही दिन हमारे लिए सबसे बेस्ट हुआ करता था। नंबर 14 गाइस, वो समय कितना अच्छा हुआ करता था जब किसी के पास दिखाने के लिए लॉल इमोट नहीं होते थे और ना ही उस वक्त कोई बंडल का घमंड करता था कि मेरे पास सकुरा का बंडल है या फिर हिप हॉप का बंडल है, क्योंकि उस समय जिसके पास भी सकुरा और हिप हॉप का बंडल रहता था उसको भी हम नॉर्मल तरीके से देखते थे। लेकिन समय के दौरान यूट्यूबर ने कुछ इतना फेमस कर दिया कि उनको सर पे चढ़ा के रख दिया और आज वो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं जिसके पास सकुरा और हिप हॉप बंडल है। लेकिन ये चीज पहले के समय में नहीं हुआ करता था। पहले के समय में सारे लोग एक ही बंडल आता था पहन के जो फ्री में देता था और वही गन स्किन यूज करता था जो फ्री में देता था। गन स्किन की किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि इसमें क्या चीज होती है। नंबर 13 गाइस, याद करो वो दिन जब हमें कोई भी गन स्किन मिलता था लेकिन उसमें जो भी एट्रीब्यूटर रहता था हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं रहता था, बस हम लोग ये चीज खुश हो जाते थे देख के कि हमारे पास एक नया कलर वाले गन स्किन है जिसको देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे। उस वक्त अगर हमारे पास कोई भी अटैचमेंट रहता था, कोई भी पूछता था कि इस अटैचमेंट का मतलब क्या होता था, तो हम लोग सिंपल सा बोलते थे कि डैमेज जाता था लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता था, लेकिन वही चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट होता था। नंबर 12 गाइस, याद करो वो दिन जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ रैंक पुश करते थे तो वो लोग जब भी गेम में आते थे सबसे पहले हम लोग उसके रैंक के बारे में पूछते थे क्योंकि रैंक पुश करने का कंपटीशन लगा रहता था, कौन सबसे पहले हीरोइक पहुंचेगा, कौन सबसे पहले डायमंड 3 पहुंचेगा, डायमंड 4 पहुंचेगा, इस चीज की होड़ लगी रहती थी। लेकिन कितना वो अच्छा दिन था, खेलने में कितना ज्यादा मजा आता था जब अपने दोस्तों के साथ हम लोग रैंक पुश करते थे और गेम को पूरा इंजॉय करते थे। लेकिन अब वो दिन कहां रहा, सारे के सारे दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हो गए और फ्री फायर ने इस गेम को इतना खराब कर दिया कि कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता। नंबर 11 गाइस, अभी के समय में फ्री फायर ने ग्लाइडर को हटा दिया है सारे में, रैंक में भी और क्लासिक में भी। लेकिन याद करो वो
दिन जब हमारे गेम में ग्लाइडर होता था तो कितना ज़्यादा हम लोग उसको यूज करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। हम लोग उसको यूज करके फैक्ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते थे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे चढ़ने की कोशिश करते थे, यानी कि ग्लाइडर को यूज करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे, इतना ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन वो भी हमारे से फ्री फायर ने छीन लिया और गेम में हटा दिया। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं चाहता है जिससे हम खुश हो। फ्री फायर धीरे धीरे इसी तरह से डूबता जा रहा है। नंबर 10 गाइस, याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में कोई भी अगर फ्री फायर को जब भी ओपन करते थे तो उस समय हमारे पास जो भी इवेंट आता था तुरंत का तुरंत सारा स्किप कर देते थे, क्योंकि हमें कोई भी लेना देना नहीं होता था कि आज कौन सा इवेंट आया, आज का इवेंट में हमें क्या निकालना है, कौन सा बंडल आया। वो चीज़ हम लोग सोचते थे कि ऐसे ऐड है, प्रचार है, हम लोग उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते थे। और वही सबसे अच्छा दिन होता था क्योंकि किसी को भी टॉपअप से कोई मतलब नहीं होता था, सारे के सारे इवेंट को स्किप कर देता था। पर अभी के समय जो भी इवेंट आता सारे लोग खुल के देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं वो इवेंट को निकाल पाता। और गाइस उस समय हमारे पास जो भी चीज़ें आती थी फ्री का स्पिन का तुरंत हम लोग स्पिन करते थे, और उसके बाद डायमंड के बारे में जैसे ही आता था हम लोग स्किप कर देते थे, क्योंकि डायमंड से हमें कोई लेना देना नहीं होता था, हमें बस फ्री स्पिन से मतलब होता था। लेकिन फ्री फायर ने वो फ्री स्पिन भी छीन लिया हमसे और अब फ्री स्पिन भी नहीं देते। नंबर 9 गाइस, याद है वो दिन जब फ्री फायर में कोई भी ग्लूवल का स्किन नहीं होता था, हर जगह व्हाइट ग्लूवल नजर आता था, लेकिन जब भी हम लोग कोई न्यू ग्लूवल का स्किन देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिया। हम लोग सारे दोस्तों से पूछा करते थे कि ये ग्लूवल की स्किन कैसे है, हम लोग स्किन नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि ये दूसरे तरह का ग्लूवल है, ऐसे हम लोग सोचते थे। ठीक है, जब बंकर वाला ग्लूवल, ये वाली ग्लूवल का स्किन हम लोग सबसे पहले, हम तो यही ग्लूवल का स्किन सबसे पहले देखे थे। आप सबसे पहला ग्लूवल का स्किन कौन सा देखे थे कमेंट में जरूर बताना। तो ये ग्लूवल का स्किन जब भी देखते थे तो हम लोग बोलते थे कि ये कहां से, इस तरह का ग्लूवल कहां मिलता है, हमें भी लेना है। तो इस तरह का क्यूरियोसिटी आता था और इस तरह का हम लोग गेम के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता था हमारे लिए, क्योंकि ग्लूवल का स्किन आजकल पूरा रंग बिरंगा दिखता है, पहले एक जैसा ही एक समान रहता था। नंबर 8 गाइस, हमें आज भी याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हमें कोई भी इमोट दिखाता था तो हम लोग बस यही चीज सोचते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता होता था कि ये इमोट है। हम लोग सोचते थे कि आखिरकार ये कैसे कर लेता, मतलब इमोट के बारे में हम लोग को जब कुछ भी पता नहीं था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते थे ये चीज देख के कि आखिरकार ये चीज कर कैसे लेता है। लेकिन धीरे धीरे बारे में जब इमोट के बारे में पता चला फिर हम लोगों ने इमोट को इकट्ठा करना शुरू किया, और जितने भी इकट्ठा किया था सारा का सारा फ्री इमोट था, क्योंकि उस वक्त हमारा इमोट सेक्शन जो 8 भरा रहता है ना वो पूरा का पूरा खाली रहता था, एक ही भरा रहता था। लेकिन उस वक्त हम लोग का जितना भी फ्री इमोट आता था, मैं आज भी याद है वो दिन जब हम लोग सारे के सारे फ्री इमोट करके वो 8 इमोट भरे थे। लेकिन अभी के समय में आपको हर तीन दिन में या तो फिर हर सप्ताह आपको एक नया इमोट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त हमें कोई भी इमोट दिखाता था तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रहते थे कि आखिरकार ये ऐसा कर क्यों लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग इमोट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नंबर 7 गाइस, क्या आपको याद है वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में हम लोग के पास जो भी गोल्ड रॉयल वाउचर होता था एक भी नहीं छोड़ते थे, सारे के सारे स्पिन कर देते थे, हमें जितना यूज होता था उसका यूज करके जो भी बचता था सारा का सारा हम लोग स्पिन कर देते थे। लेकिन अभी के समय सारे लोग स्टोर करके रखता है क्योंकि अभी के समय उसका ज्यादा यूज है नहीं। उस वक्त हम लोग के पास जितना भी गोल्ड रॉयल वाउचर होता था सारा का सारा स्पिन कर देते थे, चाहे 50 रहे, 30 रहे, कुछ भी रहे, सारा का सारा स्पिन कर देते थे। और जो गोल्ड कॉइन रहती थी गाइस उस वक्त हमारे पास एक भी नहीं बचा रहता था, क्योंकि करेक्टर का लेवल अप करने में बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन लगता था, तो हम लोग इकट्ठा करते थे गेम खेल के और उस पर लेवल अप करके खत्म कर देते थे। लेकिन अभी वो भी सिस्टम हटा दिया है और हमारे पास 3 लाख 4 लाख ऐसे गोल्ड सबके पास होंगे, जो ज्यादा खेलते हैं उसके पास बहुत ही सारे गोल्ड कॉइन होंगे। तो इसी रीजन है कि फ्री फायर में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि सारे चीजों को हटा दिया जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ था। नंबर 6 गाइस, वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग क्लॉक टावर पे जब भी उतरते थे ना, मतलब वहां पे कोई उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि सबसे ज्यादा डर लगता था क्लॉक टावर में उतरने का, क्योंकि क्लॉक टावर वहां पे सबसे ज्यादा लैंडिंग होती थी, सब पूरे बंदा वहां पे उतरता था और हम लोग को ये डर लगता था कि हम लोग को मार ना दे, इसलिए हम लोग गलती से भी क्लॉक टावर पे नहीं उतरते थे, क्योंकि वही डेंजर इलाका होता था हमारे सबसे पहले फ्री फायर में, कभी भी हम लोग भूल के वहां पे नहीं उतरते थे, और जब भी उतरते थे कभी गलती से तो हम लोग मारे जाते थे, क्योंकि वहां पे सारे के सारे प्रो बंदा उतरता था, तो क्लॉक टावर पे हम लोग गलती से भी कभी भी उतरना नहीं चाहते थे उस वक्त। नंबर 5 गाइस, अभी के समय लोग कस्टम के कितने ज्यादा दीवाने होते हैं, लेकिन याद है आपको वो दिन जब हम लोग को गिल्ड के बारे में कोई भी पता नहीं होता था, कुछ भी चीजें पता नहीं होता था, ये भी पता नहीं होता था कि किस तरह से ग्लोरी फुल करा जाए और किस तरह से हम लोग को कस्टम फ्री में मिलता था। जब हम लोग को दोस्त धीरे धीरे मिले उन्हीं लोगों ने ये चीज बताया था हमें, सबसे पहले एक बादशाह नाम का लड़के ने बताया था कि इस तरह से गिल्ड बनता है, इस तरह से कस्टम बनता है, इस तरह से हम लोग ग्लोरी को फुल करते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से हम लोग फ्री का कस्टम लेते हैं, क्योंकि उस वक्त कस्टम से किसी को कोई भी
लेना देना नहीं होता था, जस्ट रैंक खेलते थे और उसी को इंजॉय करते थे। नंबर 4 गाइस, याद है आपको वो दिन कि हम लोग फ्री फायर में जब भी उतरते थे तो वहाँ पे ग्लाइडर के साथ साथ जिपलाइन पे ट्रेवल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जहाँ भी जिपलाइन मिलता था उस पर हम लोग जरूर एक बार ना एक बार ट्रैवल करते थे, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता था जब हम लोग उड़ उड़ के मतलब जिपलाइन से ट्रैवल करते लटक के जाते थे एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो जिपलाइन उस वक्त हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था यूज करने में, लेकिन अभी के समय लोग जिपलाइन बस रैंक पुश करने के लिए यूज करते हैं, इंजॉय करने के लिए नहीं करते, लेकिन उस वक्त हम लोग को जिपलाइन में ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। नंबर 3 गाइस, आज भी हमें याद है वो दिन जब हम लोग को हीरोइक पहुंचना कितना ज़्यादा मुश्किल लगता था और उस वक्त ग्रैंड मास्टर की कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त ग्रैंड मास्टर जो होता था वो हीरोइक के बराबर होता था। लोग हीरोइक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसते थे और दिन भर गेम खेलते थे तो जाके पहुंचते थे, लेकिन जब से रिवाइवल का सिस्टम आया है लोग तुरंत हीरोइक पहुंच जाते हैं क्योंकि लास्ट तक मैप में जिंदा रहते हैं और कुछ ना कुछ रैंक प्लस स्कोर कर लेते हैं स्क्वाड का। लेकिन उस वक्त हीरोइक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और लोग बहुत मेहनत करते थे तब जाके हीरोइक पहुंचते थे। नंबर 2 गाइस, फ्री फायर में जब से बंडल का क्रेज आया, गन स्किन का क्रेज आया, कस्टम का क्रेज आया, इन सारे चीज़ों ने फ्री फायर को धीरे धीरे डुबो दिया, क्योंकि लोग इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगे इस चीज़ को खेल खेल के और उन पुराने दिनों को खो दिए जहाँ पे इतना अच्छा दिन हुआ करता था और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मैप हुआ करता था, खूबसूरत वातावरण हुआ करता था, लेकिन अभी के समय सारा कुछ बदल दिया। हमारे लिए वही ग्राफिक्स सबसे बेस्ट ग्राफिक्स हुआ करता था, बट अभी के समय ऐसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे फ्री फायर धीरे धीरे बर्बाद होते गया। नंबर 1 गाइस, फ्री फायर में जब भी फैक्ट्री फाइट होती थी तो उस वक्त हम लोग ये सोचते थे कि आखिरकार ये कैसे मार लेता है, दो मुक्के में कैसे हम मर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, बल्कि हम तब से इतना ज़्यादा मुक्का मारे जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता होता था कि वो कला करेक्टर का यूज़ करके खेल रहा है और कला करेक्टर में ज़्यादा डैमेज जाता था, यानी कि उस वक्त करेक्टर का भी हमें कोई भी नॉलेज नहीं होता था। हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते थे करेक्टर उस वक्त, हमारे लिए जो करेक्टर भगवान होता था वो होता था हयातो, और हयातो को ही हम लोग डीजे आलोक मानते थे उस वक्त, क्योंकि हयातो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था उस वक्त, क्योंकि हमारे पास कुछ भी और करेक्टर नहीं होता था, उन्हीं में से सबसे बेस्ट होता था हयातो। तो हयातो लेके हम लोग खेलते थे और उसी में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते। तो गाइस, फ्री फायर के मैंने सारे अपने मेमोरी आपके साथ शेयर कर दिया, अब आपको बारी है कि आपका सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सा है फ्री फायर में। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट उसको पिक करने का, इसलिए कमेंट में अपना मेमोरी जरूर बताना कि सबसे बेस्ट मेमोरी आपका ओल्डेस्ट में कौन सा था। और वीडियो के बीच में मैं कभी भी सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, इसलिए आप अभी जाके सब्सक्राइब के लिए मैं हमेशा ही ऐसा ऐसा कंटेंट लाते रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब तो करो, सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा अच्छा आपके लिए कंटेंट लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और इंस्टाग्राम को मैंने अभी भी प्रमोट करना शुरू किया है, इंस्टाग्राम को मैंने अभी भी बनाया है, तो बहुत ही कम फॉलोअर है, तो लोग समझते हैं कि ये फेक एंजॉय गेमिंग, इसलिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और अपना वहाँ पे फेस भी रिवील कर दिया। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर जाके फॉलो कर लेना ठीक है गाइस। और सेकंड चैनल का भी लिंक आपको दे रखा है, वहाँ पे मैं लाइव आने वाला हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।